हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, नाउ हम बेसिक ऑफ सिविक्स में आज का टॉपिक हमारा क्या है, संसद के सत्र यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन का टाइम पीरियड क्या है, फेब टू मई। मानसून का क्या है, जुलाई टू सेप्टेम्बर। और विंटर क्या है, नवम्बर टू दिसंबर। अ लेजिस्लेटिव सेशन इन द पीरियड ऑफ द टाइम इन विच लेजिस्लेटर इन बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल सिस्टम इज कन्वेंस्ड फॉर पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग अज यूजली बींग वन ऑफ टू और मोर स्मॉलर डिविजन ऑफ द एंट्रेंस टाइम बिटवीन टू इलेक्शंस। यानी एक विधायी सत्र उस समय की अवधि होती है जिसमें विधायिका संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली दोनों में कानून बनाने के उद्देश्य से बुलाई जाती है, जो आमतौर पर दो चुनावों के बीच पूरे समय के दो या दो से अधिक छोटे विभाजनों में से एक होती है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब इन सेशंस में क्या क्या डिस्कस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना है। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन आवर। पहले टाइम पीरियड क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आवर यानी सवाल घंटा। यानी सदन के किसी दिन के पहले घंटे को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आवर बोला जाता है। इसके अंदर सदस्य सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। यानी फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट प्रोसेस, जो टाइम पीरियड क्या होता है इसका, 11 to 12 AM। नेक्स्ट टाइप क्या है, क्वेश्चन टाइप क्या है, क्वेश्चन टाइप कैसे कर सकते हैं, स्टार क्वेश्चन। इसके आंसर लॉजिकल हो सकते हैं, इनके उत्तर मौखिक चाहिए, तुरंत चाहिए। यानी जो स्टार क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसका क्या होता है, तुरंत में इनका जवाब दिया जाता है। अनस्टार क्वेश्चन, आंसर्स गिवन इन रिटर्न, इसके आंसर कैसे चाहिए होते हैं, रिटर्न में चाहिए होते हैं विद इन 10 days, यानी 10 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जीरो आवर यानी प्रश्नकाल। इट इज द नेक्स्ट आवर ऑफ क्वेश्चन आवर, यानी जस्ट क्वेश्चन आवर के नेक्स्ट आवर को इंट्रोड्यूस करता है। स्टार्टेड एट 12 PM, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीरो आवर। ये 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे शून्यकाल। लास्ट क्या है हमारा, एजेंडा आवर। इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में बैठक की जाती है, इट इज फॉर इम्पोर्टेंट डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हाफ आवर डिस्कशन, आधे घंटे का काल भी से कहा जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है इसका, टाइम ड्यूरेशन 5 to 5:30 PM। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज हेल्ड ओनली थ्राइस इन अ वीक, ये एक सप्ताह में केवल 3 दिन ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 दिन पहले इसकी आज्ञा लेनी पड़ती है। अगर एजेंडा आवर लेना हो, डिस्कस करना हो, तो इससे पहले क्या लेना पड़ेगा, आपको 3 दिन पहले ही परमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट क्या है हमारा, युवा संसद यानी यूथ पार्लियामेंट। इट इज अलाउ टू लर्न डेवलप न्यू स्किल्स एंड मीट लाइक माइंडेड यंग पीपल्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू नो अबाउट द डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, युवा लोग आके बैठते हैं संसद में और डेमोक्रेसी के बारे में और हमारे कंट्री के बारे में जानने को क्या बोलता है, उन्हें मौका मिलता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसे लैकडक सेशन बोला जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो लैकडक सेशन किसे कहा जाता है दोस्तों, जब लोकसभा के आखिरी दिनों क्या कहा जाता है, लैकडक सेशन, या कह सकते हैं इनडायरेक्टली इट इज द लास्ट डे ऑफ लोकसभा। मेंबर हु आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एंटर नेक्स्ट लोकसभा, दिस इज कॉल्ड लैकडक मेंबर्स। यानी जिन सदस्यों को अगली बार लोकसभा में आने की उम्मीद नहीं होती, क्या बोला जाता है, लैकडक मेंबर। लैकडक सेशन का मतलब लास्ट डे, और लैकडक मेंबर का मतलब जो सदस्य अगली बार नहीं आ सकते। एनी डाउट हो नाउ, इसमें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बिल्स के बारे में, विधेयक के बारे में। फॉर एनी बिल, अगर कोई बिल अगर पास करना हो तो उसमें पहले क्या करना होता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा या लोकसभा से बिल पास होता है, उसके कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास जाके, फिर क्या बनता है हमारा, वो एक्ट बन जाता है। दूसरा मान लो, दूसरा बिल कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संवैधानिक संशोधन बिल। इसे कैसे लागू किया जाता है, यानी पहले प्रेसिडेंट पहले साइन कर देता है, फिर लोकसभा या राज्यसभा या फिर राज्यसभा या लोकसभा के पास जाता है, फिर क्या बन जाता है, वो पास किया जाता है और वो एक्ट बन जाता है।
थर्ड कैसे बिल पास हो सकता है, या तो लोकसभा के पास जाए, लोकसभा पास कर दे बट राज्यसभा पास ना करे, तो इस टाइम ऐसे में क्या होगा, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बिठाएगा और प्रेसिडेंट कॉल करता है और उसके चेयरमैन कौन होता है ज्वाइंट सिटिंग का, लोकसभा का, तो इसका जो ये ज्वाइंट सिटिंग होता है उसका हेड कौन बनता है उस मीटिंग का, लोकसभा का स्पीकर ही बनता है। आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट बिल टाइप क्या है हमारा, मनी बिल। मनी बिल कब पास होगा, जब प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, करे या ना करे कोई मैटर नहीं करता। यानी केवल एक ऐसा बिल, मनी बिल ऐसा बिल है जिसमें राज्यसभा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो ऑटोमेटिक पास हो जाती है और एक्ट बन जाता है। नोट याद रखिएगा, इट इज ओनली इन द हैंड ऑफ लोकसभा, नो रोल ऑफ राज्यसभा इन मनी बिल। इन मनी बिल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा कैन होल्ड बिल फॉर 14 डेज एंड आफ्टर दैट दिस बिल ऑटोमेटिकली क्या होता है, पास हो जाता है। तो 14 दिन तक वो राज्यसभा रोक सकती है मनी बिल को, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, पास हो जाएगा और क्या होगा, एक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बिल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।